हेलो एवरी वन टूडे इन दिस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर टू दैट इज सेक्शुअल डिपोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लान वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स ऑफ फ्रूट राइट सो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि कैसे ये जो ओव्यूल है वो कैसे सीड में कन्वर्ट हो गया राइट right? सो so, आज हम देखेंगे कैसे ये ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है फाइन सी so हमने ऑलरेडी देख लिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चार चीज़ें होती है राइट right? एक तो क्या होगा जो प्राइमरी एंडोसपम्प न्यूक्लियस था उससे क्या बनने वाला था एंडोसपम्प बनने वाला था वो हमने देख लिया फिर जाइगोद से क्या बना एम्ब्रियो बना वो भी हमने पढ़ लिया फिर ovule जो है वो किस में कन्वर्ट होगा सीड में तो वो भी हमने पढ़ लिया जो भी लो लास्ट टॉपिक जो बचा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का वो ये है कि ओवरी जो है अब ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में फाइन सो देख लेते हैं कैसे ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है ओके सी अभी हमने ये तो देखा था कि सीड बन गया मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट बन गया है राइट सो so, देखो जैसे ही सीड मेच्योर होना स्टार्ट होता है उसके साथ साथ ही ये ओवरी भी मेच्योर होके क्या करती है फ्रूट बना लेता है राइट सो so, जैसे जैसे सीड मेच्योर होना स्टार्ट होता है वैसे ही ये ओवरी भी क्या करेगा फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यू कैन से ओवरी स्टार्ट गेटिंग मेच्योर इन टू वॉट फ्रूट मतलब कि ये दोनों जो प्रोसेस है सीड बनने का एंड फ्रूट बनने का दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं समझ में आया राइट मीन्स वॉर बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीज वॉर साइम टेनियस लेकिन ये याद रखना कि ओवरी मेच्योर होके फ्रूट में ऐसे ही नहीं कन्वर्ट होगा उसको स्टिमुलस लगेगा उसको किसी न किसी को आके बोलना पड़ेगा ओके फाइन कि अब ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट होना है राइट सो so पहला जो स्टिमुलस है जो फ्रूट को मिलता है वो कहाँ से मिलेगा फ्रॉम दी पोलन कहाँ से मिलेगा फ्रॉम दी पोलन तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होता है कम्पेटिबल रिएक्शन होगा जैसे ही वो ट्यूब बनाएगा उसे ओवरी को पता चल जाएगा कि अब उसे क्या बनाना है फ्रूट फाइन एंड नेक्स्ट सेकेंड स्टिमुलस ये होता है कि जैसे ही ये सी ओवियल मिच्योर होके सीड बनाना स्टार्ट करेगा मतलब कि ओवरी को कन्फर्मेशन मिल जाता है कि ओके okay, फाइन अब मुझे भी इसके साथ मच्योर होके क्या बनाना है फ्रूट क्या बनाना है मुझे भी फ्रूट फाइन सो समझा कि ये जो दोनों जो प्रोसेस है ओवियुल से सीड एंड ओवरी से फ्रूट दोनों प्रोसेस कैसे चलते हैं साइमल्टेनियसली फाइन अब देखो जैसे ये वॉल ऑफ ओवरी जो है वो क्या करेगा इट विल गेट डेवलप इन टू वॉल ऑफ फ्रूट फाइन अभी देखो हमें पता है कि ये क्या है ओवरी फाइन ओवरी के अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है ओव्यूल प्रेजेंट होता है राइट right? सो so, ये जो वॉल ऑफ ओवरी जो है वो लेटर ऑन क्या होगा इट विल गेट कन्वर्ट इन टू वॉट वॉल ऑफ फ्रूट राइट क्योंकि ओव्यूल क्या है सीड हमें पता हमने देखा है फ्रूट को राइट सीड कहाँ होता है सेंटर में राइट right? या तो फ्रूट विल बी स्प्रेडेड ऑल ओवर फाइन लेकिन फ्रूट को एक वॉल भी होता है एक अलग से लेयर भी होता है वॉल का राइट right? सो so, उस वॉल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं पेरी क्या बोलेंगे उसे पेरी राइट एंड ये जो पेरी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स इज डिवाइडेड इनटू व्हाट थ्री लेयर्स मतलब कि देखो ये जो ओव्यूल है ये पिक्चर में देखो ये ओव्यूल जो है इट गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट सीड अब ये जो है ओवरी जो किसमें कन्वर्ट हो गया है फ्रूट में फाइन इसने क्या बनाया है Wall of fruit बना है और तो देखो जो बाहर का जो लेयर रहेगा फ्रूट का उसे हम क्या बोलते हैं एग्जोकार्ब क्या बोलेंगे एग्जोकार्ब जो बीच का जो लेयर होता है इसमें ये बीच का लेयर कैसा है फ्लैशी है राइट सॉफ्ट पार्ट है फ्लैशी पार्ट है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं मेजोकार कवरिंग करने वाला जो है, उसे हम क्या क्या बोलते हैं बोलेंगे होता कैसे जिसे हम क्या बोलते हैं पहली काप और उसके कितने लेयर्स होते हैं तीन बाहर के लेयर को एक्सो का बीच के लेयर को मेजो काप और अंदर जो सीड को कवर करने वाला जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे एंडो कापेर राइट नाउ सी अब ये जो फ्रूट्स जो है इसी के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के मतलब या तो फ्रूट्स फ्लैशी होंगे या तो कैसे होंगे ड्राई अभी ये वाला जो फ्रूट है उसमें तुम देख सकते हो कि उसका जो मेजो कार्प है वो कैसा है थोड़ा फ्लैशी है राइट राइट इट अ पल्प इन इट राइट तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट जैसे कि गवाबा है ऑरेंज है मैंगो है मतलब जी जो जूसी फ्रूट्स जो होते हैं इट कम्स अंडर वॉट फ्लैशी फ्रूट्स एंड जो ड्राई है राइट right? जिसमें फ्लैशी नहीं होता है जो जूसी नहीं होता है जैसे कि अपने सारे नट्स राइट ड्राई फ्रूट्स है नट्स है ग्राउंड नट है मस्टर्ड है ये सब क्या आएंगे दे विल बी वॉट ड्राई फ्रूट्स तो फ्रूट्स को हमने ये मेजोकार के लेयर के हिसाब से हमने उसे दो टाइप में बनाया है या तो वो फ्लैशी होगा या तो क्या होगा ड्राई राइट फ्लैशी के फ्लेशी मतलब कि जूसी होना चाहिए पल्पी होना चाहिए एंड ड्राई मतलब कि उसमें कोई जूसी या फ्लै पल्प प्रेजेंट नहीं होता है वो इजीली तुम च्यू कर सकते हो तोड़ सकते हो आराम से फाइन सो सी यहाँ पे भी एग्जांपल है ऑरेंज का राइट फ्लेशी फ्रूट में एंड यहाँ पे दर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट पल्प राइट right? और वही ड्राई फ्रूट का यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ पी राइट सीड्स देखो कैसी ड्राई है उसको तोड़ोगे तो क्या जूस या फ्लै फ्लैश निकलेगा उसमें से नहीं राइट एंड आलमंड वॉर्ड ड्राई फ्रूट तो तुम कोई भी ड्राई फ्रूट ले लो सारे के सारे क्या होंगे दे विल कम अंडर वॉर्ड ड्राई फ्रूट होनी आलमंड है पिस्ता है कैशोनट है सारे के सारे किसके अंदर आएंगे ड्राई फ्रूट्स में फाइन चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट सी अब देखो बहुत सारे फ्रूट्स जो है ना वो लोग क्या करते हैं वो अपने आप को डिस्पोजल ऑफ सीड के मैकेनिज्म में इवॉल्व कर देते हैं right? राइट अभी डिस्पोजल ऑफ सीड का मतलब क्या होता है कि सीड्स को वो लोग डिस्पोर्स करेंगे जैसे एंथर करके पोलन ग्रेन को बाहर निकालता है रिलीज करता है वैसे फ्रूट्स भी क्या करेगा इट विल अलाव इथ सीड्स टू गेट वोज राइट लेकिन सीड्स ऐसे ही थोड़ा ना डिस्पोर्स होंगे so, fruits में से सीड या तो विंड के थ्रू डिस्पोर्स हो सकते हैं या तो एनिमल्स बर्ड्स उसके थ्रू क्यों डिस्पर्स हो सकते हैं राइट अगर हल्के फुलके होंगे सीड्स तो आराम से क्या होंगे फ्रूट में से निकल के वो लोग विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं राइट लेकिन अगर फ्रूट के अंदर अगर सीड्स है फ्लैश के अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट है हल्के फुल्के नहीं है राइट तो ऐसे में क्या होता है अगर सपोज कि बर्ड आया बर्ड ने आके क्या क्या फ्रूट को खाया राइट right? अब जब वो फ्रूट को खाएगा तो उसका सीड जो है वो उसके पेट में जाएगा राइट सो वेन एवर इट एक्सक्रीट आउट तो सीड क्या होगा वो भी निकल जाएगा अब जरूरी तोड़ना है कि उसने जो सीड एक्सक्रीट जो किया वो वही प्लांट के आसपास ही एक्सक्रीट क्या है वो उड़ के कहीं पे भी जाके एक्सक्रीट आउट करेगा तो जहाँ पे वो सीड गिरा है वहाँ पे अगर उसे मॉइस्चर कंटेन, ऑक्सीजन वाटर ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती है तो वही प्लेस पर ये सीड क्या होगा जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा वही एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्क्विरल का राइट ऐसे एनिमल्स का भी ये काम होता है हम भी अगर कहीं पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं अगर फ्रूट ले लिया तो उसके अंदर का जो सीड है कहीं पे भी फेंक के आ जाते हैं राइट ऐसे करते थे पहले जब छोटे थे अब हम नहीं करते ऐसा राइट तो वो जो सीड है वो डोमिनेट हो सकता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो प्लांट है वो एक ही जगह एक ही विसिनिटी में मिलेगा हमें कहीं और भी वो सेम प्लांट मिल सकता है तो ऐसे जो सीड्स जो हम फेक के आ रहे हैं जो प्ला बर्ड्स जो एक्सक्रीट आउट करके आ रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ सीज और विंड के थ्रू भी तो तुम्हें पता है क्या होगा विंड भी तो सीज को कहीं पे भी लेके जा सकता है फाइन अब आते फिर से स्क्विरल के एग्जाम्पल पे देखो तो स्क्विरल के एग्जाम्पल में क्या होगा स्क्विरल क्या करता है फ्रूट को खाता जरूर है राइट right? लेकिन उसके सीड को वो क्या करेगा उसको एक तो बोरोइंग टेक्निक होती है उसकी राइट तो वो बोरो करके सीड को अंदर कहीं पे बोरो करके चला जाएगा उसके ऐसा लगता है कि वो आके फिर से खाएगा लेकिन वो भूल जाता है राइट तो ऐसे वो कितने सारे ऐसी जगह होगी जहाँ पे उसने बोरो करके सीड को छोड़ दिया होगा राइट या फिर वो भी उसे खा के जब उसने खा लिया होगा तो वो क्या करेगा वो भी सीड को एक्सक्रीट आउट करेगा राइट right? तो so, जब वो सीड को एक्सक्रीट आउट करता है तो जहां पर भी वो छोड़ आएगा वहां पर एक नया सीड जॉबिनेट होगा नया प्लांट बनेगा तो दिस इज अथिंग वॉर मेकेजम डिस्पोजल ऑफ सीड्स फाइन अब देखो सीड का और एक काम ये होता है कि वो कंटिन्यूटी ऑफ रेस को मेंटेन करेगा प्लस अनफेवरेबल सीजन में वो पेरिनेशन का भी काम करेगा राइट अभी कंटिन्यूटी ऑफ रेस मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज या जनरेशन टू जनरेशन वो अपने स्पीशीज का जो कंटिन्यूएशन है वो तोड़ेगा नहीं राइट तो सीड अगर है तो सीड को अगर तुम फिर से अगर सो करोगे तो क्या होगा तुम्हें सेम प्लान मिलेगा राइट मतलब कि वो कंटिन्यूटी जो है उसके रेस की वो टूटने वाली नहीं है इट विल बी जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सेम रहेंगे एंड सेम टू सेम प्लान तुम्हें मिलते रहेंगे फाइन एंड सीड अगर तुम रखोगे भी राइट अगर तुम सीड को कलेक्ट करके रखा है एंड अगर उसका फेवरेबल सीजन नहीं है राइट right? अगर वो अनफेवरेबल सीजन में प्रेजेंट है तो अगर फेवरेबल सीज़न में अगर उस सीड को अगर तुम सो करोगे तो क्या होगा इट विल जर्मिनेट मतलब कि वो पेरिनेशन का भी काम करता है मतलब कि हॉट हो कोल्ड हो कैसा भी कंडीशन क्यों ना हो कैसा भी एनवायरमेंट क्यों ना हो वो सीड क्या करेगा एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा राइट right? मतलब कि अनफेवरेबल सीजन में सीड अपने आप को सीड अपने अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा और पेरिनेशन वाले प्रोसेस से बाहर निकल जाए हम फाइन अब देखो नेक्स्ट देर आर सम फ्रूट्स विच बेयर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स फॉर डिस्पोजल थ्रू वीन्स एंड बर्ड्स जैसे कि ऑर्किड्स है फीकस है स्ट्रिगा एंड और बेंची राइट right? अब देखो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं वो क्या करेंगे छोटे छोटे सीड इतने सारे बनाएंगे कि आराम से वो विंड के थ्रू डिस्पोज हो सके या तो फिर वो बर्ड या एनिमल्स को उसे डिस्पर्स करने के लिए लेके जा सकते हैं राइट अब देखो दूसरा भी है कि मो बहुत सारे प्लांट्स में तुम ये देखोगे कि फ्रूट जैसे डेवलप होना स्टार्ट होता है ओवरी से तो उसके जो बाकी के जो पार्ट्स हैं जैसे कि सेप्पल्स है पेटल्स है थेमस है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे राइट लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सारे के सारे प्लांट्स में ऐसा होता नहीं है राइट क्यों क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे प्लान में तुम देखोगे कि ओके okay, फाइन ओवरी जब फ्रूट में डेवलप होता है या ओवरी जब फ्रूट में मेच्योर होता है तो उसके जो सेपल्स पेटल्स वो सारी चीज़ें क्या होती हैं गिर जाती हैं या डीजनरेट हो जाती है लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें वही पात सेपल है पेटल है थेमस है ये सब क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और एक फ्रूट बनाते हैं राइट यहाँ पे सिर्फ ओवरी से होने वाला है लेकिन वहाँ पे क्या होने वाला है जो फ्लोरल के दूसरे पार्ट्स हैं वो भी फ्रूट बनाने में हेल्प करेंगे इसलिए बोला है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सारे प्लांट्स में ऐसा होता नहीं है विल सी उसके भी एग्जाम्पल्स आएंगे कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लोरल पार्ट डीजनरेट नहीं होते और फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं सो सी अभी यहाँ पे ना मैंने फ्रूट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है वैसे यू हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लेकिन मैंने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है कैसे कि अगर फ्रूट्स बना है फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंड अगर फ्रूट्स बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन राइट right? ऐसा भी होता है तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या बोल रहे हैं ये राइट right? क्योंकि ऐसे होता है हमने अभी तक यही पढ़ा है कि फ्रूट्स जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद ही बनते हैं राइट right? एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेलेन गेमेट का साइगोड बन जाएगा साइगोड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा एंडोस्पम बनेगा राइट सीड डेवलप होता है तब जाके फ्रूट्स बनता है यही हमें पता है राइट लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता नहीं है ना ही जयगोड बनता है डायरेक्टली वो एम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड क्या बनाने वाला है फ्रूट राइट इसलिए मैंने उसे दो टाइप में डिवाइड किया है कि विथ फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर विथ फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट्स बनते हैं तो वो दो टाइप के फ्रूट्स बनेंगे एक तो ट्रू फ्रूट्स बनाएगा और एक बनाएगा फॉल्स फ्रूट्स फाइन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला जो है उसका नाम क्या है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स फाइन सो सी हम देख लेते हैं कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है अभी देखो ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स दोनों में क्या होने वाला है कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा जयगोड बनेगा इंडोसपम बनेगा सीड बनेगा एंड फ्रूट बनेगा लाइक like, लेकिन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद राइट right? सो so, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ट्रू फ्रूट्स में हमेशा फ्रूट कहाँ से बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ ओवरी से राइट right? अगर फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बन रहा है तो वैसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स मतलब कि फ्लार का कोई भी और दूसरा पार्ट सेपल हो पट्टल हो तलमस हो या कोई भी और दूसरा पार्ट अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फ्रूट बनाने में सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही डेवलप हो रही है या मेच्योर हो रहा है फ्रूट में तो उसे हम क्या बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स राइट एंड उसके एग्जाम्पल क्या है टमाटोज ग्रेप ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे ट्रू फ्रूट्स में राइट एंड अगर फॉल्स फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होने वाला है कि थैलेमस जो है वो फ्रूट बनाने में हेल्प वाला मतलब थैलेमिस हो सेपल्स हो पेटिल्स हो राइट मतलब कि ओवरी जो है वो बनाएगा लेकिन इट विल बी मतलब वो छोटा सा रह जाएगा लेकिन बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे या वो कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रूट बनाने में बट एंड यहाँ पे कैसे ट्रू फ्रूट्स में ये जो ओवरी जो फ्रूट में डेवलप हो रहा है अगर फ्लैशी बनाना है तो वही फ्लैशी बनाएगा राइट लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है जो जो थेलेमस है वो फ्लैशी हो जाता है एंड ओवरी का पार्ट क्या रह जाएगा स्मॉल समझ में आया तो अगर कोई और पार्ट के फ्लोरल के पार्ट से अगर फ्रूट बन रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स क्या बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स राइट उसके एग्जाम्पल क्या है एप्पल स्ट्रॉबेरी ये सब किसके एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट्स के राइट शो यू पिक्चर ऑल्सो सीन कैसे दिखते हैं राइट सो सि ये दो टाइप के फ्रूट डिपेंडिंग अपॉन की फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये डेवलप हो रहे हैं राइट ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल देखो ग्रेप राइट right? कहाँ से डेवलप हुआ फ्रॉम दी ओवरी राइट यू कैन सी ये जो फ्रूट जो है इट एव डेवलप फ्रॉम वॉट्स वोलन ओवरी मतलब ओवरी में च्योर हुआ है और उसने फ्रूट वॉल भी बनाया जिसे हमें क्या बोला पेरी कार्प एंड बीच में जो है येलो कलर के दो हजार नतीस में दो जो किससे बने हैं इसको हमने क्या बोला ट्रू फ्रूट राइट एंड अब जब ये ग्रेप्स है राइट right? अब जब हम फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया एप्पल अच्छा यू कैन सी ये जो है अंदर ये ब्राउन कलर के दोज आर नथिंग बट वॉल सीड्स फाइन एंड जो कोर जो है जो सेंटर में जो है यू कैन सी ओवरी सो स्मॉल राइट ओवरी सो स्मॉल ऐसा लग रहा है किसी पर एक लाइन ही है एंड उसके ऊपर ये जो है ये क्या बन गया है वॉल ऑफ फ्रूट दैट इज नथिंग बॉट पेरी कार राइट मतलब कि एप्पल में जो हम खाते हैं वो हम ये पार्ट तो नहीं खाते हैं हम क्या कहते हैं ये वाइट वाला पार्ट तो ये वाइट वाला पार्ट बना कहाँ से देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दिस इज द एडिबल पार्ट राइट एंड द फ्लावर पार्ट फ्यूज एंड स्वेल राइट मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो एडिबल है ये ओवरी वाला जो पार्ट है या पेरिकप वाला जो पार्ट है वो एडिबल नहीं है मतलब कि जो पार्ट को जो ब्लैक होता है उसको जो हम निकाल के फेंक देते हैं वो एक्चुअली ओवरी था वो एक्चुअल फ्रूट था लेकिन हम वो नहीं हम खाते हम वाइट वाला पार्ट खाते हैं जो थैलेमस से बना है किससे बना है थैलेमस से मतलब कि थैलेमस जो है वो पूरे ओवरी एंड ओव्यूल को क्या कर देता है कवर कर देगा एंड वो फ्लैशी बन जाता है मतलब कि एप्पल में जो हम खा रहे हैं दैट इज अ थैलेमस पार्ट ऑफ द फ्लॉर समझा तुम्हें राइट सो इसीलिए हम एप्पल को क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट क्यों क्योंकि वो ओवरी से फ्रूट नहीं बना है वो फ्लोरल पार्ट से फ्रूट बना है राइट एंड ग्रेप को क्यों ट्रू फ्रूट बोलते हैं बिकॉज जो फ्रूट बना है वो कहाँ से बना है फ्रॉम दी ओवरी फाइन सो सी अब हाँ एंड वी कैन ऑल्सो सी योर कि ये देखो ये किसका है स्ट्रॉबेरी का राइट right? स्ट्रॉबेरी में भी यू कैन सी कि एक्चुअल फ्रूट्स जो है स्ट्रॉबेरी भी बेरी नहीं है राइट right? उसमें इट्स अ एग्रीगेट फ्रूट क्यों क्योंकि अगर तुम स्ट्रॉबेरी को देखो ये स्ट्रॉबेरी है तुमने उसे ऐसे वर्टिकली काटा तो तुम्हें ऐसा पिक्चर दिखेगा स्ट्रॉबेरी का राइट right? सो so, अंदर जो ये वाले जो पांच है डिजार नथी मोर वेस्कुलर बैंडल्स एंड बाहर जो तुम्हें येलो कलर के जो डॉटेड डॉट 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 जो दिखते हैं स्ट्रॉबेरीज पे यू कैन सी ओवर वा यूर डोजार नथी मोर दो एक्ने एंड यही एक्ने के अंदर विल बी प्रेजेंस ऑफ सीड मतलब जितने तुम्हें येलो एक्ने दिखेंगे उतने तुम्हारे क्या है स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स क्या है स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स गोटेट तो मतलब कि ये स्ट्रॉबेरी अकेला एक बेरी नहीं है अकेला एक फ्रूट नहीं है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स प्रेजेंट है इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स भी बोल सकते हैं राइट right? एंड ये जो रेड कलर का जो पार्ट जो हम फ्लैशी होता है जो हम खाते हैं नथिंग नथिंग थैलेमस तो इसका भी जो थैलेमस वाला जो पार्ट है जो फ्लैशी पार्ट है जो जूसी पार्ट है वो कौन सा है थैलेमस होता है राइट right? एंड ये जो एक्ने जो है जिसके अंदर ये सीड प्रेजेंट मतलब तो एक्ने विल बी लाइक ओवरी एंड सीड इज इनसाइड जो ब्लैक कलर का जो डॉट है दैट इज नथिंग बट वॉट सीरी देखो यहाँ पे पेडिसल ने डंडी बनाया है सेप्पल ने लीव बनाया मतलब कि सारे फ्लोरल पार्ट्स मिलके एक फ्रूट बना रहे इसलिए दिस ऑल्सो कम्स अंडर वॉट कम्स अंडर वॉट फॉल्स फ्रूट राइट रही बात अगर कैशोनट की बात करते हैं तो ये जो ऊपर का ये जो एनलाज पार्ट है वो क्या है थेलेमस है जो फ्लैशी है राइट right? और ये जो नीचे का जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट वॉट ट्रू फ्रूट तो कैश्यू नट का भी वही प्रॉब्लम है कि जो ये जो फ्लैशी पार्ट है उसे वो थलमस है एंड ये जो नीचे जो काजू कैश्यू का जो किडनी शेप जो दिख रहा है दैट इज़ नथिंग मोर वो ट्रू फ्रूट इसलिए उसको भी हम किस में कंसिडर करते हैं फॉल्स फ्रूट में राइट ये वाला डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये दोनों ये एप्पल का जो मैंने अभी तुम्हें समझाया कि कैसे होता है लेकिन एप्पल को अगर तुम ये अगर एप्पल है एप्पल को अगर तुम ऊपर से कट करोगे इन सर्कुलर शेप तो तुम्हें ऐसे दिखेगा राइट ये शेप दिखेगा जहाँ पे यू कैन सी सीड बीच में है एंडो काप जिसने सीड को कवर किया है फिर ये उसके ऊपर एक मेजो का लेयर है एंड दिस विल बी वॉट पेरी राइट मतलब एपिकाप एंड ये वाला जो पार्ट है वाइट वाला वो कौन सा है का जो फ्लैशी पार्ट है जो हम खाते हैं समझा राइट सो दिस वाज अबाउट दी ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बनने वाले राइट right? अब हम देखेंगे वो वाला फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बनेगा जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है ऐसे फ्रूट को सॉरी ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है ऐसे ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक राइट right? उसका best example जो बेस्ट एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है वो कौन सा है बनाना का राइट right? अब देखते हैं कि ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो है वो देखो नेचुरली भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बन सकते हैं लेकिन अब तो ऐसे भी टेक्निक्स आ गई है जहाँ पे हम ये प्लांट को या फ्रूट को हम क्या करते हैं ग्रो, ग्रोथ हॉर्मोन्स देंगे इंड्यूस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ और ग्रोथ हारमोन जिससे ये जो फ्रूट्स है वो कैसे बने सीडलेस कैसे बनेंगे सीडलेस अभी देखो पार्थिनो फ्रूट्स हैं अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो सीड कहाँ से बनेगा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड बनने के चांसेस है ही नहीं राइट right? तो ये जो पार्थिनोकाले जो फ्रूट्स है वो ऑलमोस्ट सारे कैसे होते हैं सीडलेस होते हैं राइट right? मतलब कि ये सीड ये जो फ्रूट्स है वो प्लांट के लिए कोई काम का है ही नहीं है फार्मर्स के लिए कोई काम का नहीं है क्यों क्योंकि सीड नहीं है तो वो लोग जर्मिनेट कैसे करेंगे राइट इट्स अ लाइक वन टाइम प्रोसेस लेकिन बनाना का वैसा नहीं है बनाना का जो पार्ट है हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन के टाइम पे बनाना का जो पार्ट है उसको अगर तुम

राइट right? लेकिन अब अभी के जो बनाना है अगर तुम वो खाओगे उसमें एक भी सीड तुम्हें मिलता है क्या इट इज वेरी सॉफ्ट इट्स राइट लेकिन पहले के बनाना में इतने सारे सीड्स थे कि फ्लैशी पार्ट ना बहुत हार्डली मिलता था तुम कंटाल जाओगे ये वो बनाना खा के क्योंकि हंड्रेड ऑफ सीड्स को निकालोगे या बनाना खाओगे राइट right? लेकिन ये क्या हुआ जो साइंटिस्ट थे या जो पीपल थे तो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया थे कैरेडा आउट द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं जहाँ पे ये जो बनाना का जो प्लांट है वो कैसा हो गया ट्रिप्लॉइड नहीं हमने ये देखा कि जब तक ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होता है तब तक ये एम्ब्रियो डेवलप होता नहीं है तो नेचुरली ये जो बनाना का जो प्लांट है उसके जो सेल्स है वो कैसे हो गए ट्रिप्लॉइड तो ऑटोमेटिकली ये अब कोई भी फ्रूट बनाने के लिए रेडी हो गए राइट right? इसलिए इसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं पार्टिनोकार्पिक फ्रूट्स में एंड इसमें सीड प्रेजेंट थे लेकिन अब ये क्या हो गया है कन्वर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली इट कैन प्रोड्यूस बनाना विदाउट सीड और सीडलेस फ्रूट राइट क्यों क्योंकि उसका जो सेल है इट इज अ ट्रिप्लॉइड कैसा है द नॉर्मली हमें पता है सीड्स कैसा अपना सेल कैसा होता है ड्रिप्लॉइड राइट तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है बनाना का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि वो पार्थिनो फ्रूट्स बन सकें लेकिन ये जो टोमेटो का जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है यू कैन सी ये जो टोमेटो वो नेचुरली ग्रोन है जो सीड वाला है और ये वाला जो टोमेटो है जिसको हमने ग्रो किया है बाय इंड्यूसिंग द हॉर्मोन तो यू कैन सी देर इज नो सीड इन एट राइट सो ये हार्मोन्स के बारे में ऑलरेडी हमने एलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था राइट दे इंड्यूसिंग हार्मोन्स एंड इनिबिटिंग हारमोन्स तो उसमें से जो ऑक्सीजन वाला जो हार्मोन है जो इंड्यूसर हार्मोन है अगर जब ओव्यूल जब रेडी होता है उसी टाइम पे अगर तुम ऑक्सीजन उसे दे दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ओव्यूल है बिना सीड के फ्रूट को डेवलप करवाएगा एंड इट विल बी सीडलेस फ्रूट राइट ऐसे हमने बहुत सारे पार्थिनोकार्पिक uh, फ्रूट्स बनाया है वाटरमेलन भी हमने सिडलेस बनाया है ककम्बर सिडलेस बनाया है तो ऐसे बहुत सारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है राइट right? लेकिन हमेशा ये सेफ है सेफ हो अपने लिए ये ज़रूरी नहीं है उसके भी रीजंस है कि ज़रूरी है सीड के साथ खाना या ज़रूरी नहीं है इसके क्या फ़ायदे हैं वो सब हम बाद में देखेंगे एंड सो so, उसमें हमने देखा कि फ्रूट कितने टाइप के हैं पहले तो हमने देखा कि फ्रूट कहाँ से बना है फ्रॉम द ओवरी राइट सो ओवरी जो फ्रूट हम, हम पहले जो हमने फ्रूट हाँ, so हमने क्या देखा फ्रूट के बारे में कि फ्रूट जो है वो कहाँ से बना है इट इज फॉर्म फ्रॉम वॉट ओवरी एंड जो ओवरी जो है वो क्या बनाने वाला है वॉल ऑफ फ्रूट जिसे हम क्या बोलते हैं पेरिकाप फाइन फिर हमने देखा कि दो टाइप के फ्रूट्स हो सकते हैं एक तो फ्लैशी और एक तो ड्राई राइट right? फिर हमने देखा कि या तो फ्रूट फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा या तो फ्रूट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा अगर फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं तो भी दो टाइप के एक ट्रू होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है ट्रू मतलब ओवरी से ही फ्रूट बनता है फॉल्स मतलब ओवरी के सिवा जो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है वो कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रेशी फ्रूट्स बनाने के एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब किसका एग्जाम्पल है पार्थिनो कॉर्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट बनते हैं कैसे रहेंगे सीडलेस कैसे रहेंगे सीडलेस राइट एंड फ्रूट बनाने के लिए स्टिमुलिस दो होते हैं एक तो जब पोल ग्रेन आता है तब एंड एक जब ओव्यूल सीर में मेच्योर होना स्टार्ट होता है तब वॉट इट सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स देखेंगे फाइन सो टैट थैंक यू